हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर साइबर सिक्योरिटी के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज साइबर सिक्योरिटी के साथ, एंड बिलीव मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक चीज और समझिए कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी नाउ इंक्लूडेड दिस साइबर सिक्योरिटी इन देयर सिलेबस, राइट। उसका रीजन क्या है? ओके, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, चाहे आप एमटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, इवन बीबीए के सिलेबस में भी यू कैन फाइंड, एमबीए के सिलेबस में can find the cyber security, right? So why there is a huge demand of cyber security expert, right? बहुत से word हमने सुने हैं कि सर hackers क्या होते हैं, ethical hacker क्या होते हैं, non-ethical hacker क्या होते हैं, white cap hacker, black cap hacker, grey cap hacker, ये सब terminologies क्या हैं, hacking क्या होता है, okay? cyber crime क्या होता है, cyber security और cyber crime में क्या differences हैं, what is cyber crime, है ना? इन सारे छोटे-छोटे से concept को हम discuss करने वाले हैं, types of cyber security, goals of the cyber security, okay? यार नया course है, नया जोश है, नई उमंग है। यार मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब पहली बार मैंने इस टेक्नोलॉजी को पढ़ा था तो excitement level एकदम beyond the limit था यार। तो आपका excitement level कितना है इस course को लेके, इस technology को लेके, फटाफट comment box में comment करके मुझे बताइए, क्योंकि excitement बहुत जरूरी है किसी भी नई technology को पढ़ने के लिए। तो फटाफट comment करिए और बताइए मुझे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूं, है ना? आप देखिए, एक ट्रेंड को आप समझने की कोशिश करिए। दिस इज व्हाट द ट्रेंड है ना, ये गूगल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज द गूगल ट्रेंड। 5.3 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड यूज इंटरनेट राइट नाउ, है ना? ये मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं टिल अक्टूबर 2023, ओके? 5.3 बिलियन इंटरनेट यूजर वर्ल्ड वाइड, मतलब इट इज एक्चुअली देखा जाए तो इट इज 65.7% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। दिस इज व्हाट द करेंट यूज ऑफ इंटरनेट इन द मार्केट राइट नाउ, और उसमें सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूज हो रहा है दैट इज फॉर सोशल मीडिया, द सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एंड देर आर मेनी मोर सोशल मीडिया वेबसाइट, राइट? सी दिस द सिनेरियो, 61.4% वे आर यूज सोशल मीडिया राइट नाउ। दिस इज व्हाट द यूज ऑफ इंटरनेट इन द करेंट मार्केट। अब यदि हमारी डिपेंडेंसी इंटरनेट पे इतनी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कुछ सिक्योरिटीज भी हमें रखना पड़ेंगी, है ना? तो यहां पर यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी की नीट क्यों जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी साइबर सिक्योरिटी की, राइट? आप देखिए, मैं बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। मैं अगर अपनी बात करूं ना, मतलब आई डोंट रिमेंबर कि मैंने अपना लास्ट टाइम पैसा बैंक में फिजिकली जाके कब विड्रॉल किया था। देखिए आप, मतलब आज से अगर 20 ईयर बैक के सिनेरियो की बात की जाए और करंट सिनेरियो की बात की जाए, दिस इज व्हाट द वाइड डिफरेंस। 20 साल पहले कभी अगर आप अपने घर में किसी पर्सन से, बुजुर्ग हैं जो, उनसे पूछिएगा कि किस तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता था, दे गो टू द बैंक एंड दे विड्रॉल द मनी, इवन आज भी करते हैं, लेकिन नाउ द जनरेशन चेंज, राइट? आप मुझे बताएं, आपके पास क्या जरूरत है आपको बैंक में जाके पैसा विड्रॉल करने की? व्हेन यू हैव एन इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन, व्हेन यू हैव अ मोबाइल बैंकिंग ऑप्शन, व्हेन यू हैव एन एटीएम, then why there is a need to go to the bank? Okay, now we have a multiple options, like we have a Paytm, Google Pay, and Airtel Pay. There are a lot of options of payment gateways are available. अब जब इतनी डिपेंडेंसी आपके इंटरनेट पे होगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिपेंडेंसी अगर होगी, तो ऑब्वियस ही बात है क्राइम भी बढ़ेंगे, ठीक है? पहले क्राइम घर में चोरी होती थी, अब क्राइम इंटरनेट पे हो रहा है। तो यदि क्राइम इंटरनेट पे हो रहा है तो उस क्राइम को मुझे रोकना है। आई वॉन्ट टू प्रिवेंट दैट क्राइम, आई वॉन्ट टू प्रिवेंट दैट सिस्टम टू दिस मैलिशियस अटैक, एंड दैट इज व्हाट द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कि यहां पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के रिक्वायरमेंट है, राइट? लेकिन अब अगर बात की जाए तो सर, हाउ वी कैन डिफाइन दिस साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? सी, इन दिस इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं, है ना? इट इज जस्ट एन ओवरव्यू दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस, कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम सीख सकते हैं, ओके? तो साइबर सिक्योरिटी को अगर हम डिवाइड करें ना, तो ये दो अलग अलग वर्ड है, जिसमें से पहला वर्ड जो है ना साइबर। अब देखिए, साइबर एक बहुत कॉमन वर्ड है, अगर आपने कभी सुना हो, हालांकि अब तो बहुत रेयरली आपको मिलेंगे, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड साइबर कैफे। जब हम पढ़ते थे ना, मतलब पढ़ते तो आज भी हैं, लेकिन जब व्हेन वी आर इन कॉलेज, तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता था साइबर कैफे चलते हैं, राइट? अब साइबर कैफे मतलब क्या? जहां मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड है,
मल्टीपल सिस्टम्स रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, राइट? कि जहां पर डेटा ट्रांजेक्शन हो रहा है ओवर एन इंटरनेट। मैं अभी आपको पूरा आर्किटेक्चर बता दूं, डोंट वरी, कि हाउ द इंटरनेट वर्क्स, है ना, किस तरीके से इंटरनेट पे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट एप्लीकेशन क्या होती है, राइट? लेकिन साइबर वर्ड का मीनिंग क्या है, आप देखिए, सिंपल सा मीनिंग है, टेक्नोलॉजी विच कनेक्ट्स कंप्यूटर नेटवर्क, वो चाहे लैन के थ्रू हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो, वो चाहे वैन के थ्रू हो, चाहे वो इथरनेट कार्ड के थ्रू हो, चाहे वो वाईफाई के थ्रू हो, चाहे वो ब्लूटूथ के थ्रू हो। आपका मोबाइल आज इंटरनेट से कनेक्टेड है, बट देर इज नो वायर कनेक्शन, दैट इज यूजिंग वाईफाई सिस्टम। और आपका जो सिस्टम लैपटॉप कनेक्टेड है, इट मे बी थ्रू इथरनेट कार्ड, वो इथरनेट कार्ड के थ्रू हो सकता है, वो वाईफाई के थ्रू हो सकता है, वो ब्लूटूथ के थ्रू हो सकता है, वो आपके किसी सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हो सकता है, अगर मोबाइल की बात की जाए तो। So right now there are multiple ways by which you can connect to a device with an internet. और ये जो device जब internet से connect होती है, तो this is basically called cyber. और अब यदि ये इंटरनेट से कनेक्ट है, ओके, तो यू नो हाउ द इंटरनेट टेक्नोलॉजीज वर्क। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन चाहता हूं कि इस कोर्स का डायरेक्शन क्या रखना है, थ्योरी प्रैक्टिकल या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जिस तरीके के आपके सजेशंस होंगे ये कोर्स उसी डायरेक्शन से आगे बढ़ेगा। तो कमेंट करिए और बताइए मुझे, अगर इंटरनेट को एक वर्ड में डिफाइन किया जाए ना, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इंटरनेट केवल एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, दैट इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इट इज अ कनेक्शन ऑफ अ नेटवर्क जहां मल्टीपल सिस्टम आपस में कनेक्टेड है टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। कि जहां, अब वो मैंने आपको क्या बोला, वो कनेक्शन वायर के थ्रू होगा जरूरी नहीं है, दैट मे बी वायरलेस एंड दैट मे बी इथरनेट वायर, राइट? वो वाईफाई, ब्लूटूथ, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। बट व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल सिस्टम्स, क्योंकि अब मैं मोबाइल को भी काउंट कर रहा हूं, दैट्स व्हाई आई सेड डिवाइसेस, व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्ट टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ओवर एन इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिस्टम, राइट? तो ये जो नेटवर्क सिस्टम है, एक्चुअली इसको अगर आप समझें, सो देयर इज अ सर्वर, ओके, जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन है। इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यदि आप अपनी डिवाइस को इस सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं डिवाइस, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अब केवल हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, हम केवल लैपटॉप की बात नहीं कर रहे, हम केवल पॉमटॉप की बात नहीं कर रहे, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, आप किसी भी डिवाइस को अगर इससे कनेक्ट करते हैं, इट मे बी मोबाइल डिवाइस, ओके, आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब तो आप देखिए स्मार्ट वॉच भी आ गई हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। देर आर मल्टीपल डिवाइसेज जिनको अब हम इंटरनेट के साथ एक्सेस कर रहे हैं, सी द डिपेंडेंसी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये इंटरनेट पूरी तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जहां पर ये सर्वर आपके वर्ल्ड में किसी एक लोकेशन पर रखा हुआ है, एंड दिस आर द मल्टीपल क्लाइंट, वो एक्चुअली वांट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सर्वर, ठीक है, ये मल्टीपल क्लाइंट है जो इस सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। अब ये क्लाइंट भी किसी भी लोकेशन पे हो सकता है और सर्वर भी किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। आप खुद बताइए यार, आप फेसबुक पे अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, आप गूगल पे अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, आप जीमेल पे अपना डेटा दे रहे हैं, यू नो वेयर द सर्वर सिचुएटेड। बीइंग अ यूजर आपको कोई मतलब नहीं कि आपका सर्वर कहां रखा हुआ है, बट देयर इज अ सर्वर। अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो योर ऑल इंफॉर्मेशन, योर ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपका पिन, आपका पासवर्ड, दिस ऑल इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टोर्ड इन अ सर्वर। और जब आप क्लाइंट लोकेशन से डेटा एक्सेस करते हैं, तो आप अपना पिन नंबर एंटर करते हैं मोबाइल पे इंटरनेट बैंकिंग के लिए, आप अपना पासवर्ड देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा ट्रैवल करता है ना। आपने इंफॉर्मेशन तो दी है, वो क्लाइंट साइट से दी है, और ये इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइट से सर्वर तक पहुंचेगी, एंड देन आफ्टर सर्वर विल चेक दिस इंफॉर्मेशन, राइट? तो बच्चे, ये जो ट्रैवलिंग है, जहां पे डेटा क्लाइंट से सर्वर की ओर जा रहा है, देर आर द हैकर वो आर एक्चुअली इन दिस प्लेस, राइट? कि यहां से वो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। साइबर क्राइम जो होते हैं वो 95% केस में तभी होते हैं व्हेन योर डिवाइस इज कनेक्ट विद द इंटरनेट। कि जब आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड, दैट टाइम एक्चुअली साइबर और जो हैकर होते हैं, एक्चुअली दे विल गेट योर इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप देखिए, इंफॉर्मेशन अगर एक सिंगल मशीन पे है, इफ इट इज अ डेस्कटॉप मशीन, एक सिंगल मशीन पे आपकी इंफॉर्मेशन है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी केवल आपके पास है। जो डेटा आपने अपने कंप्यूटर पे सेव करके रखा हुआ हार्ड डिस्क में, उसकी एक्सेसिबिलिटी केवल आपके पास है। सो देयर इज अ रेयर चांस कि वहां से कोई डेटा एक्सेस हो जाए,
बिकॉज योर सिस्टम इज नॉट कनेक्ट ओवर एन इंटरनेट. लेकिन अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट है देन ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सर्वर. और जब इंफॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर्ड है तो आप क्या करोगे, आप उस सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट साइड से क्या दोगे, रिक्वेस्ट. अब ये रिक्वेस्ट जो आपने दी है तो क्लाइंट आपको क्या देगा, रिस्पॉन्स. और इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की प्रोसेस में आपका डेटा हैकर एक्सेस कर सकता है. एंड दैट इज वॉट एक्चुअली अ साइबर क्राइम. ये है साइबर अटैक, जिसको हम बोलते हैं मैलिशियस अटैक, साइबर अटैक. मेनली आपका जो साइबर अटैक होता है वो इस ड्यूरेशन में होता है कि व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर. और आप देखिए कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी सो दैट इज अ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्योंकि अगर इंटरनेट है द इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टोर्ड इन अ सर्वर. एंड दिस इज व्हाट आर डिपेंडेंसी. ये हमारी डिपेंडेंसी है राइट नाउ. मैं आपको बोलता हूं एक काम करके देखिए, अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल है ना, कोशिश करके देखिएगा. अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल है, अगर आप स्टूडेंट है, इफ यू आर अ प्रोफेशनल देन द थिंग्स आर डिफरेंट. लेकिन अगर आप स्टूडेंट है कोशिश करके देखिए, कुछ नहीं होगा. 24 आवर्स के लिए अपने मोबाइल का वाईफाई, मोबाइल डेटा, मतलब ओवरऑल इंटरनेट को बंद कर दीजिए 24 आवर्स, मैं बता रहा हूं आपको. उसके बाद उस मोबाइल को अपने साथ कैरी करिए, प्रैक्टिकली करके देखिए. आपको यह लगेगा कि यार ये क्या लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि दिन भर में कॉल कितने आते हैं. राइट नाउ 90% मोबाइल इज यूज फॉर इंटरनेट यूटिलिटी, कि जहां पर आप जो भी व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, आप हो सकता है पढ़ाई कर रहे हैं गूगल को यूज करके, डेटा फ्लेयर को यूज करके. ओके, तो यहां पर अब अगर आपने इंटरनेट बंद कर दिया तो राइट आप ये सोचेंगे ये डिवाइस मेरे किस काम की है. बिकॉज नाउडेज 10% यूज ऑफ मोबाइल फॉर कॉलिंग एंड रिसीविंग, 90% इज फॉर इंटरनेट यूटिलिटी. तो दिस इज व्हाट द डिपेंडेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट, एक छोटी सी डिवाइस की, राइट. और यदि इतनी डिपेंडेंसी है तो अटैक भी होंगे. तो ये जो है दिस इज व्हाट द साइबर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बात की, राइट. बट इफ यू कैन टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम, दैट इट इज मोस्ट ऑफ द जो अटैक होते हैं वो तभी होते हैं व्हेन यू आर इन इंटरनेट, नॉट एट द इंट्रानेट. क्योंकि इंट्रानेट का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ नेटवर्क बट इन लिमिटेड एरिया, और इंटरनेट का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ नेटवर्क इन वाइड एरिया. तो दिस इज व्हाट द लैन एंड वैन. लेकिन अब हमने क्या बात की कि ये तो हुआ साइबर, और साइबर है तो अटैक भी होंगे. ओके, एंड टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड अ प्रोटेक्शन, एंड दिस इज व्हाट सिक्योरिटी, एंड दैट्स फॉर द रीजन वी नीड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट फॉर दैट. तो यदि एक सिंगल लाइन में हम साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, राइट. तो आप देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस टू सिक्योर योर सिस्टम, सर्वर, डिवाइस. ओके, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मैंने इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि मैंने आपको स्मार्ट वॉच का भी एग्जांपल दिया. देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज व्हिच इज नॉट अ लैपटॉप और कंप्यूटर बट दे आर कनेक्ट विद द इंटरनेट ऑल्सो. तो कोई भी डिवाइस अगर आपके इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, ठीक है, इन सबको सिक्योर करना, ठीक है, दिस इज व्हाट फ्रॉम विच थिंग्स, फ्रॉम मैलिशियस अटैक, अनवांटेड अटैक से अपने इन डिवाइसेस को सिक्योर करना, दैट इज व्हाट द सिंगल लाइन डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी. और जब फिर इसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द नीड टू सिक्योर दिस डिवाइसेस. अरे ये नीड तो आपको समझ में आनी चाहिए ना. अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, अगर आप जीमेल पे अपने सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, यू हैव अ डिजिटल लाइब्रेरी, राइट. आपके पास डिजिटल लॉकर है जहां पर आपने अपनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर रखा हुआ है. डोंट यू थिंक द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर देयर. और यदि अब हम नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो दिस इज व्हाट द नीड है ना. इनको आगे एक एक करके समझाऊंगा, डोंट वरी. देयर आर लॉट ऑफ नीड्स, लाइक टू सिक्योर प्राइवेट डेटा, टू सिक्योर बैंकिंग इंफॉर्मेशन, टू सिक्योर नेशनल सिक्योरिटी डेटा, ग्लोबल इकोनॉमी. दिस आर द एरियाज वेयर द साइबर सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड. तो यहां पर अभी मेरा मोटो आपसे केवल साइबर सिक्योरिटी को समझाना था, क्योंकि जब इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे सो डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट योर सिलेबस. चाहे आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, बीटेक, एमटेक, बीसीए, बीबीए, एमबीए, व्हाटएवर, योर कंप्लीट कोर्स विल बी कवर. क्योंकि हम इसको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे. वी विल कवर दिस कंप्लीट सब्जेक्ट एट द यू कैन से दैट प्रोफेशनल लेवल, कि जहां पर इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, इस पूरे टेक्नोलॉजी को पढ़ने के बाद, यू विल बिकम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट. बस आपको सिंसियरिटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट की. आई होप ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.